साहेबगंज के बोरियो विधानसभा के झामुमो के लोबिन हेब्रम ने भाजपा के सूर्य नारायण हंसदा को 17,924 मतों से पराजित किया। वहीं जीत के बाद लोबिन हेब्रम ने कहा, ये जीत जनता की जीत है। जनता ने जिस विश्वास और उम्मीद के साथ मुझे जिताया है, मैं उनके उम्मीद और विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व अबीर लगाकर खुशी का इजहार किया और ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने निकाला जीत का विजय जुलूस। अब की बार बोला नारा लगाया था ना, अब की बार 65 पार ये चले गए। रघुवर दास जी का यहाँ से टिकट कर दिया, छत्तीसगढ़ चले गया, वो कोई उपाय नहीं मिला। आज झारखंड यहाँ के लोगों के लिए राज्य अलग हुआ है और ये राज्य हम लोगों को मैंने भीख की तरह, हर की तरह हम लोग भीख नहीं मांगे थे, आंदोलन के बदौलत, लड़ाई के बदौलत राज्य अलग हुआ है और राज्य यहाँ के लोगों के लिए बना है। ठीक है, रघुवर दास ने आज यहाँ के गरीब लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया और आज जनता सबक सिखा रही है। आप सर वरिष्ठ नेता हैं सर, देखिए वो हमारे आला कमान तय करेंगे और हमको उम्मीद है हमको पसंद करेंगे। जीतने के बाद सर पहली 5 प्राथमिक जो सरकार बीजेपी की सरकार ने सबसे पहले यहाँ का जो शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा में ऐसा बदतर स्थिति मिला के खड़ा कर दिया है कि उसका आप लोग सामने देखे हैं क्या स्थिति है। आज इतने स्कूल को बंद किया गया, आज तक इतने बच्चे पढ़ाई लिखना छोड़ दिए, ये सरकार का काम है। आज सबसे पहले हम लोग सरकार बनने के बाद माननीय हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर सबसे पहले यहाँ जितना स्कूल को बंद किया गया उसका हम लोग चालू करेंगे ताकि यहाँ के जीत का श्रेय तो माननीय हमारे हेमंत सोरेन, माननीय हमारे गुरुजी सोरेन, साथ हमारी बोरियो विधानसभा क्षेत्र की जनता को हम श्रेय देना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत प्रयास किया और उन्होंने कहा कि हमको लोगों ने कहा था कि आपके पास पैसा नहीं भी है, हम लोगों के पास है, हम लोग खर्चा कर रहे हैं और हम लोग अपने से काम करेंगे और बहुत मेहनत किया है पर जितने कार्यकर्ता लोग हैं आम पब्लिक लोगों ने हमको जगह जगह हर जगह हमको सम्मान दिया और हमको विश्वास हो रहा था कि निश्चित तौर पर। साहेबगंज से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।